जगत गुरु जी के आशीर्वाद से वो पात्रता जरूर मेरी बनेगी और मैं बनाने की कोशिश करूंगा। जगत गुरु जी का जो विश्वास मेरे ऊपर रहा है उसे ठेच नहीं पहुंचने दूंगा, इतनी कोशिश जरूर मेरी ओर से होगी। क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज के कारण हूं, जो यहाँ इस पद पर मुझे ले आए। आज मेरी उम्र नहीं है कि मैं अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बन पाऊँ, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर जगतगुरु जी ने मुझे उस पद पर भी बिठाया। महामंडलेश्वर का आग्रह भी मुझे स्वामी जी ने ही किया, निर्मल अखाड़े से महामंडलेश्वर बनना है, वो आग्रह भी हमने सूचना का पालन किया। हमारे जगत गुरु नानक दास जी महाराज ने भी आज्ञा की आपको बनना चाहिए, तो ये संतों की कृपा रही है। आज जो बड़े बड़े मंच पर इतने सारे जगत गुरु भगवान और संत महापुरुषों के बीच जगत गुरु मुझे बिठाते हैं और मुझे कहते हैं संचालन जनार्दन करेगा, ये सतपंथ परिवार के लिए, सतपंथ संप्रदाय के लिए और स्वयं मेरे अपने लिए बहुत ही अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। मेरे पर विश्वास करने का मतलब मैं समझता हूं स्वामी जी का ये विश्वास किसी जनार्दन पे नहीं, स्वामी जी का ये विश्वास सतपंथ संप्रदाय पर है। वो सतपंथ संप्रदाय को इतना सम्मान देते हैं और हृदय में उनके प्रेम है, जिसके चलते मैं सतपंथ संप्रदाय से जुड़ा नहीं होता तो कहां से कोषाध्यक्ष, कहां से महामंडलेश्वर, कहां से मुझे प्रेम से कहते पहली कथा तेरी होगी और तूने करनी ही चाहिए। तो ये सतपंथ के प्रति जो प्रेम हृदय में जगत गुरु भगवान के है उसको हम प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, महाराज श्री को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। मैं जो कुछ मेरे अंदर जो जो जोश आया, जो जो बदलाव मेरे जीवन में आया, मैं उसका पूरा श्रेय जगतगुरु स्वामी जी को देता हूँ, हंस देवाचार्य जी महाराज जी को, कि मुझे बहुत सीखने मिला, मुझे बहुत अनुभव मिला और मैं कुछ करने के काबिल बना। तो मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे जगत गुरु भगवान हम सबको आशीर्वाद दे और उसके बाद आशीर्वचन के बाद फिर एक छोटी झांकी यहां पर होगी, जिसमें जो मक्खन की क्रिया है तो वो झांकी के दर्शन यहां हमें होंगे, जिसमें माता रोहिणी जी, माता यशोदा जी वहां यहाँ आएगी, उनके झांकी का दर्शन होगा। फिर बालकृष्ण भी अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आएंगे और बहुत बढ़िया से भगवान के लीला का चरित्र है। तो जगत गुरु जी का आशीर्वाद हम यहाँ पर पहले प्राप्त करेंगे। मैं कहूँगा कि यहाँ पर माइक की व्यवस्था की जाए। और स्वामी जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि अस्मदाचार्य पर्यंताम् वंदे श्री गुरु परंपरा
रामानंद सम्राम प्रादुभूत महीतले रामाय राम भद्रा रामचंद्र वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं रामनाम वरार्णने आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंदरूपां विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः हरिः ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनायवधीतमस्तु मा विद्विषावहि ॐ शान्तिः 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 अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत्रियंता जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद अखंडानंद कारण करुणावर वाले भगवान श्री राम रघुनंदन मारुति नंदन के चरणों में बारंबार कोटिशः वंदन करते हुए पुण्य सलीला भगवती माँ गंगा माँ यमुना माँ सरस्वती त्रिवेणी संगम की पावन गोद में बैठे हुए हम माँ का आंचल मिला हुआ है हमें माँ की झोली मिली हुई है हमें जहां हम और आप बैठे हुए हैं यह श्रावण भादो में गंगा इस पंडाल से ऊपर तक बहती है। जब माघ का महीना आती तो गंगा अपने आप को समेट लेती कि मेरे भक्त आए। जब कुंभ का मेला आती है तो माँ अपने आंचल को समेट लेती है, अपने इस आंचल को फैला भी देती है, अपने
आपको सिकोड़ लेती और आंचल फैला देती, मेरे भक्त मेरे आई मेरी गोदी में बैठ जाएं। हम माँ की गोद में बैठे हुए हैं, हमसे बड़ा भाग्यशाली पूरी दुनिया में कोई नहीं है। माँ की गोद प्राप्त है। सुना है दुनिया में भगवान के बाद भगवान को इन आंखों से नहीं देखा, परंतु माँ को भगवान से कम भी आंख के हमने नहीं देखा। भगवान ऊपर भगवान है और ये धरती पर मेरी माँ है, मेरी गंगा है, मेरी यमुना है, मेरी सरस्वती है। ऐसे एक पावन पवित्र स्थान कुंभ प्रयाग की ये पावन धरती और उस धरती पर स्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट के इस पावन कुंभ मेला शिविर में, इस पावन सभागार में, सत्संग भवन में, कथा मंडप में बैठ करके आप और हम बहुत सरल साधु स्वभाव सहज स्वभाव के धनी हमारे महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री गोपी गीत की कथा को यहाँ आप और हमें सुना रहे हैं। और मंच पर उपस्थित हैं कच्छ नखत्राणा सतपंथ संप्रदाय के गादी नखत्राणा में निष्कलंक धाम के महंत जयराम दास जी महाराज, चित्रकूट धाम के महंत रामकृष्ण दास जी महाराज, हमारे बैठे हुए सभी संत महात्मा गण उपस्थित, देव स्वरूप पुरुषो भगवती वे शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति विदेविया, और प्रातः काल की बेला में जिनकी श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं हमारे अशोक जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, वो भी प्रातः काल की बेला में वो भी उपस्थित हैं। आए कुछ चर्चा करूं से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करें, इन क्षणों को पवित्र, इस वातावरण को पवित्र करें। श्री राम जय जय राम श्री राम विघ्नहरण हनुमान।
बहुत सुंदर भाव श्रीमद् भागवत से गोपी गीत का आप श्रवण कर रहे थे और जिसका सीधा प्रसारण जयपारस टीवी के माध्यम से आप सब लोग घरों में बैठे हुए दर्शक भी देख रहे हैं प्रयाग की सीधी धरती से, उनको भी बहुत बहुत प्रयाग की धरती का शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अभी आप श्रवण कर रहे थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोपियां ढूंढने लगी। गोपियां ढूंढती हैं भगवान को और भगवान अंतर ध्यान हैं। और गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, आप दिखाई क्यों नहीं देते? और ये सुंदर भाव, गोपी है क्या? गोपी कौन है? गोपी कहते किसको हैं? किसी पुरुष का नाम गोपी है, किसी संप्रदाय का नाम गोपी है, या भाव का नाम गोपी है? गोपी ना तो स्त्री है ना पुरुष है, गोपी भाव है। गोपी भाव है, और जिसने गोपी भाव को प्राप्त कर लिया है उसने गोविंद को प्राप्त कर लिया, अर्थात जिसने अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के रस का रसास्वादन कर लिया है वो गोपी है। गोवः पिबति रसः इति गोपी, अर्थात गौ नाम इंद्रियों का है, जो अपनी समस्त इंद्रियों से परमात्मा नाम का रसास्वादन करती हैं इंद्रियां, वही गोपी बन सकती हैं। ना वो पुरुष हो सकती हैं, ना वो स्त्री हो सकती हैं, वो तो गोपी भाव हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मनीषी देव गोपी बन करके ब्रज में प्रकट होते हैं और गोपी के रूप में रहते हैं। हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाए, हमें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाए, ये गोपी है। गोनाम इंद्रियों का भी है, अपनी इंद्रियों को इतना अंतर्मुखी कर लो। यहां आप श्रवण कर रहे थे, गोपी बाहर ढूंढती है, अर्थात परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, विवल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, आतुर हो जाती हैं। उस आतुरता के अंदर न जाने क्या क्या भगवान को कह देती हैं, तुम निष्ठुर हो, हमें पता है। न जाने क्या क्या भाव में गोपी कहती है। हमारी वृत्तियां जो बहिर्मुखी हैं इनको अंतर्मुखी कर लें तो हम भी गोपी बन सकते हैं, अर्थात गो इंद्रियां, ये इंद्रियां वृत्तियां भी हैं। हमारी वृत्तियां जो बहिर्मुख हैं, हम अर्थात बाहर की ओर परमात्मा को देख रहे हैं, संसार की ओर जो परमात्मा को देख रहे हैं, जिन वस्तुओं में हम परमात्मा को देख रहे हैं, परमात्मा वहां मिलने वाला नहीं। ये गोपी भाव में भगवान बता देते हैं कि तुम मुझे बाहर देख रहे हो, मैं इन चरम चक्षुओं से तुम्हें दिखलाई देने वाला नहीं, मैं तो अंतर्मुखी जो हो जाता है, जो अंतर में देखता है, भीतर के पट खोल रहे तो ये पीव मिलेंगे, तो हे राम मिलेंगे, तो हे घनश्याम मिलेंगे। अंतर के पट खोल रहे, भीतर के पट खोल रहे तो हे राम मिलेंगे। हमने अपने भीतर के उन पर्दों को हटाना है, हमने उन अपने उस भीतर के अंतर द्वंद को मिटाना है, हमने अपने भीतर के द्वैत को मिटाना है। तो इसलिए गोपी वो बन सकता है जिसकी वृत्तियां बहिर नहीं है, अंतर्मुखी हो गई, भीतर की ओर हो गई है। और जब तक हमारा बाहर की ओर देखना है,
बाहर की ओर देखना हमारे मन को विवल करेगा, मन को चंचल करेगा, मन को आकुल करेगा, मन को व्याकुल करेगा, मन को परेशान करेगा, मन को दौड़ाएगा, मन को भगाएगा। जब हमारा मन दौड़ेगा, मन भागेगा, तो हमें बिल्कुल भी शांति मिलने वाली नहीं है। जब हमारा मन अशांत रहता है तो अशांतस्य कुतो सुखम, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, अशांत मन वाले को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका मन अशांत है वो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, और वो सुख परमात्मा को, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो सुख का दूसरा नाम परमात्मा है, सुख का दूसरा नाम ईश्वर है, सुख का दूसरा नाम कृष्ण है। तो अशांत वाले को, अशांत मन वाले को सुख मिल नहीं सकता, और सुख जब मिलता है तो जिसका मन शांत हो जाता है, जिसका मन टिक जाता है। अर्थात हमारा मन चंचल है, हमारे मन की वृत्तियां चंचल हैं, ये वृत्तियां बाहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। हम जब आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में भी जब बैठते हैं तब भी हमारा मन संसार के उन पदार्थों को खोज रहा होता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं। चिंतन वह करने की आवश्यकता है, ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम खुली आंखों से जब संसार को देखते हैं तो आप चिंतन करें, बंद आंखों पर होने पर भी हम ध्यान की अवस्था में जिसको कह देते हैं, केवल पूर्णता ध्यान नहीं है, परंतु आंख बंद करके जब ध्यान की अवस्था में अपने आप को कह देते कि हम समाधि में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, या आंख बंद करके बैठे थे, आप चिंतन करना आपकी आंखें बंद है परंतु संसार तुम्हें दिखलाई दे रहा है, तो आप गोपी बन नहीं सकते, आप में गोपी भाव आया ही नहीं है। आप बैठे होते हैं, बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है, हम भजन करने बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन रसोई में जाता है, हमारा मन मकान और दुकान में जाता है, हमारा मन संसार और परिवार में जाता है, हमारा मन झगड़े और फसाद में जाता है, हमारा मन अच्छे और बुरे में जाता है, हमारा मन मेरे और तेरे में जाता है, हमारा मन न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता है, कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ फिरता है। ऐसी अवस्था में भी आप कहते मैंने ध्यान किया था, तो ध्यान तुमने संसार की वस्तुओं का किया था, नहीं कि उस परमात्मा का ध्यान किया था जिसके लिए हमारे शास्त्रों ने निर्देश दिया है, जिसके लिए शास्त्र चिंतन करता है, शास्त्र का चिंतन है। तो ऐसी अवस्था में मेरा एक दूसरा भाव है कि हम कैसे गोपी बन सकते हैं। गोपी वह बन सकता है जिसकी इंद्रियां श्री कृष्ण में रमण करें, आंखों के द्वारा, आंखें खुली हो या बंद हो, उनको कृष्ण नजर आता हो, कानों से सुनता हो तो कृष्ण की आवाज आती हो, और उनके पैर चलते हो तो श्री कृष्ण के लिए चलते हो, उनके हाथ कुछ काम करते तो कृष्ण के लिए काम करते हो। ये भाव अगर आ गया तो तुम गोपी भाव में आ गए हो, और तुम गोपी भाव में आ गए तो अर्थात गोपी भाव का मतलब तुम परमात्मा को प्राप्त कर चुके हो। तुम्हारी हर क्रियाएं उस ईश्वर के लिए होनी चाहिए, तुम्हारा हर प्रयास उस परमात्मा के लिए होना चाहिए, तुम्हारी प्रत्येक इंद्री उसका रसास्वादन करे, तब तो गोपी बन सकते हैं। गोपी तो कोई भी बन सकता है। अरे बड़े बड़े, हमारे यहां तो कहा गया ब्रज में गोपी बनने के लिए बड़े बड़े देवताओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने रूप धारण करके गोपी के रूप में ब्रज के मंडल में आ गए, और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं था, गोपी एक भाव का नाम था, गोपी एक व्यवस्था का नाम है। और हमने मान लिया कि ब्रज की औरतें, ब्रज की स्त्रियां, ये देवियां गोपी बन गई। ये हमारी सांसारिक सोच ये कह सकती है, परंतु परमार्थिक सोच, अंतर की सोच तो कुछ और बताती है। गोपी बनने के लिए हमें तो देह भाव को भी त्याग करना पड़ेगा। देह भाव भी अगर रहेगा,
मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। मीरा ने तो कह दिया था मैं श्री कृष्ण के अलावा किसी और को पुरुष मानती ही नहीं। जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूं। तो मीरा ने कहा हमने सुना था इस दुनिया में तो पुरुष तो केवल एक श्री कृष्ण है, उसके अलावा तो सारी उसकी गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया ये मेरी समझ में नहीं आया। तो जीव गोस्वामी ने पर्दे खोल दिए, कहा मीरा मैं तो भूल में था कि तू इतनी 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 तेरे अंदर भाव है, इतनी तेरे अंदर निष्ठा है, इतनी श्रद्धा है। मैं तो अभी स्त्री और पुरुष के भेद में भटका हुआ था कि मैं स्त्री से नहीं मिलता। आज तूने मेरे जो है ज्ञान चक्षु खोल दिए, आज तूने मुझे बता दिया कि कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब उसकी गोपियां हैं, बाकी तो सब उसकी आत्मा। तो ये भाव हमारे जीवन में आना चाहिए। श्रीमद् भागवत से इस गोपी गीत कथा श्रवण करने का यह अर्थ नहीं कि हमने हम लोग तो क्या करते हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि हम संसार के पदार्थों की ओर आकर्षण बनाए हुए हैं और हमारा संसार के पदार्थों में आकर्षण निरंतर बना हुआ है। जब तक संसार के पदार्थों में आकर्षण बना रहेगा तुम्हारा गोपी भाव पैदा नहीं हो सकता। आप कहेंगे संसार में रहते हैं, इस मकान में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इस पंडाल में रहते हैं, इस सड़क पर रहते हैं, इस कार में रहते हैं, इस मोटर में रहते हैं, ये भाव तो होगा। परंतु एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, कभी कभी एक सवाल उठता है कि इतने महात्मा लोग इतना सब ये करने की इनको आवश्यकता क्या रहती, इतने बड़े पंडाल बन जाए, इतना बड़ा अन क्षेत्र बन जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाए, इतने लोग आ जाए, इतने लोग रह जाए। उसके पीछे भाव तो एक ही काम करता है कि जिधर देखता हूं तू ही तू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सबू है, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल। अर्थात संसार में रहता हुआ श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि संसार में बसो परंतु मत फंसो, यहां रहिए। आप देखें ये कुंभ का मेला लगा प्रयाग में, तो कुछ लोग तो बसंत पंचमी को भाग जाएंगे, कुछ लोग पूर्णिमा माघी पूर्णिमा का कल्पवास करके चले जाएंगे, कुछ लोग ज्यादा रहेंगे तो 4 मार्च तक रहेंगे, 4 मार्च के बाद भी नहीं जाना चाहेंगे तो ये सरकारी व्यवस्था सारी उखड़ जाएगी, क्योंकि मेला तो 4 मार्च तक सरकारी कागजों में है, उसके बाद तो ये छोड़ना पड़ेगा। अपने आप से छोड़ दोगे इस मेले के क्षेत्र को तो ठीक है, नहीं तो 4 मार्च के बाद तो ये सारी बिजली सड़कें टेंट घंट सब उड़ जाएंगे, सब हट जाएंगे, तुम छोड़ दोगे नहीं तो छुड़वा दिए जाएंगे। नहीं छोड़ोगे, मान लो ये सब चीज हट जाए चली जाए तो फिर श्रावण भादो आएगा तो गंगा यमुना की लहर आएगी, यहां जली जल हो जाएगा, तुम अपने आप भाग जाओगे नहीं तो बह जाओगे। छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। राजी राजी चले जाओ तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती तो गंगा जी बहा के ही ले जाएंगे। इसलिए संसार में रहते हुए गोपी कौन बन सकता है, कहते राजी राजी उस कृष्ण का अस्तित्व स्वीकार कर लो, राजी राजी मेरे परमात्मा ही सब कुछ है ये स्वीकार कर लो तो तुम गोपी बन सकते हो, तुम्हारा भाव बन सकता है। तो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा रसास्वादन करें, हम उस परमात्मा को जानने की चेष्टा करें जिसको हमने संसार के पदार्थों में खोजने की चेष्टा की है। ये जितने संसार के भौतिक पदार्थ हैं वो तो केवल परमात्मा ने तुम्हें साधन दिया है और हमने इन साधनों को संसाधनों को उस रास्ता मान लिया कि ये संसाधन जो संसार के हैं ये सच्चा रास्ता है। नहीं, ये सच्चा रास्ता नहीं है। सच्चा रास्ता तो वो है कि उसके और मेरे बीच में द्वैत का भाव समाप्त हो जाए, दूरियां समाप्त हो जाए, पर्दा समाप्त हो जाए, फिर मुझे ये भान ही ना रहे कि मैं कहाँ हूँ, द्वैत का भाव ही ना आए, दूसरा भाव ही ना आए। और आप देखें जब गोपियों ने जब रास की थी तो भगवान
और ये एक एक गोपी कृष्ण बन गई, एक एक गोपी राधा बन गई। वो कहती मैं कृष्ण हूं और वो कहती मैं कृष्ण हूं, अर्थात कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है, एक ही कृष्ण है। वो गोपी में भी रमता है, तुम में भी रमता है, मुझ में भी रमता है, जिधर देखता हूं उधर वो परमात्मा ही है। ये भाव जब उत्पन्न हो गया, प्रत्येक ने एक दूसरे को इतनी विभलता हो गई, इतनी आतुरता हो गई, छोड़ दिया सब कुछ उन्होंने। और अंत में जब भगवान अंतर्धान, अंत में भगवान को कहना पड़ा, हे गोपियों मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं, तुमने मेरे लिए अपने पतियों को छोड़ा पर मुझे ना छोड़ा, तुमने मेरे लिए अपने बच्चों को छोड़ा पर मुझे ना छोड़ा, तुमने मेरे लिए अपने सास ससुर को छोड़ा मुझे ना छोड़ा, तुमने अपने मेरे लिए अपने बच्चों और परिवार को छोड़ा, तुमने संसार को छोड़ा, संसार के संसाधनों को छोड़ा, परंतु मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न तुम्हारी तपस्या पर अत्यंत प्रसन्न हूं। और भगवान प्रसन्न होकर के उन गोपियों के साथ रास रचते हैं। इस महारास का नाम ही तो महाराज एक ही रस है ना, महारस था वो, रास है, रस है। और रस है क्या, रसो वैसा, रस ही वह परमात्मा है, रस ही रसो वैसा। श्रीमद् भागवत में आया कि वो रस है क्या, वो परमात्मा ही रस रूप है। आप विचार करें, आप भोजन लेते हो, भोजन लेते हो ना, तो भोजन लेते हैं तो उसके बाद में भोजन का रस तुम्हारे शरीर में रह जाता है और जो मल बनता है, उच्छिष्ट होता है, वो सारा आपको सोच जाना पड़ता है। आपके शरीर ने किसको ग्रहण किया, रस को ग्रहण किया ना, रस आपके शरीर में रहा और ठोस बाकी सब निकल गया, चला गया। अब उस रस से तुम्हारा जीवन चला, प्राण चले, अगर वो रस समाप्त हो जाए हमारे शरीर में, डॉक्टर भी कहते अगर पानी की कमी हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए पानी बना रह जाना चाहिए, रस बना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। ऐसे जब एक शरीर के लिए रस की आवश्यकता है तो उस जीवन के लिए उस परम रस की आवश्यकता है, और वो परम रस क्या, वो भगवान है, और उस रस से ही रास बना है। तो वो रस जो हमारा प्राण है, रस क्या है, तुम्हारा प्राण है। अगर ये रस तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर की एक प्रक्रिया है, जो आप भोजन लेते हो उसमें से रस रस ले लेता और बाकी को निकाल बाहर फेंकता है, तुम्हारे भीतर में रस रह जाता है, और जब वो रस ही तुम्हारे जीवन में खून बनाता है, तुम्हारे जीवन में माज मस्सा बनाता है, तुम्हारे जीवन के इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है, रहता तो वो पानी है, रस ही रहता है ना, अन्न का रस, फलों का रस, भोजन का रस, सब रस तुम्हारे में रहता है। तो श्रीमद् भागवत ने उसको कहा रसो, वो रस है क्या, रस कहते वो परमात्मा है। अच्छा, जीवन में से ये रस निकल जाए तो तुम्हारा प्राण निकल जाएगा, और प्राण निकल जाएगा तो फिर तुम क्या हो जाओगे, मुर्दा हो जाओगे, मर जाओगे, निर्जीव हो जाओगे, तो फिर तुम लोग को क्या करेंगे, लोग जला डालेंगे, दबा डालेंगे, बहा देंगे, या तो गंगा जी में बहा देंगे, या जमीन में गाड़ देंगे, या अग्नि में, क्योंकि उसमें से रस निकल गया। ऐसे ही रस परमात्मा है, अर्थात रस जो निकला था वो परमात्मा, इसलिए परमात्मा रस रूप है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस परमात्मा के बिना हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं है। और वो रस लेना हो तो वो उस रस को प्राप्त करने के लिए गोपियों के साथ भगवान का जो महारास होता है, उस महारास से जो रस पैदा होता है, वही हमारा प्राण है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा ध्येय है, वही हमारा लक्ष्य है। ये गोपी भाव इसी को कहते हैं, गोपी गीत इसी को कहते हैं। तो इसलिए
समय में तो घड़ी वड़ी रखता नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था मत बुलवाओ मुझे, मुझे तो टाइम ही पता ही नहीं लगता, घड़ी है नहीं, इतना गरीब आदमी हूं मैं। बज गए हैं? अच्छा 2 मिनट बाकी है, अच्छी गनीमत ये ठाकुर जी है ना, ये सब इशारा कर देते हैं कि टाइम होने वाला है। तो बहुत सुंदर गोपी भाव आप श्रवण कर रहे हैं और अधिक अधिक और आनंद की प्राप्ति ज्यों ज्यों, ये कहते हैं तो ऐसा सागर है, ऐसा रस है, जितनी डुबकी लगाओगे उतना आनंद आएगा, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी वो मुझे पा गया, नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का भोलापन मुझे भा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी वो मुझे पा गया, वही खोज गोपियों की जारी है, कृष्ण कहाँ गए, वही गोपियों की खोज जारी है, आए हम भी उस कृष्ण की खोज जारी रखें, शायद कुंभ के मेले में वो रस प्राप्त हो जाए, इस पावन प्रयाग की धरती पर इस कुंभ के मेले में वो रस मिलेगा अवश्य, परंतु जब तुम्हारा गोपी भाव बन जाएगा, आए कुछ झांकी की बात बता रहे हैं, झांकी का दर्शन करेंगे, झांकी दर्शन के बाद मंच पर आरती होगी, किन किन लोगों को आरती में बुला रहे हैं मुझे तो लिस्ट पता नहीं है, आ जाएंगे सतपंच परिवार आ जाएंगे, कहाँ कहाँ के लोग कल आ गए, कल दोनों संस्था के ट्रस्टी बुलाए थे, ट्रस्टी आज कौन है, मोड़ासा से है, कच्छ से है, सभी आ जाएंगे, ठीक है ठीक है, आ जाएंगे सब लोग आ जाएंगे, तो आए भाव के साथ यही वाणी को विराम दो, हमारे बीच में संत महात्मा पधारे और हमारे उड़ीसा प्रांत के संत समिति के अध्यक्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो आप बड़ा कलश देख रहे हैं ना बाहर में, कितना 70 फुट हो गया है, 60 फुट ऊंचा जो कलश, वो स्वामी जी पक्का ऐसा उसको स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने वेल्डिंग से, मानो कभी हटाना ही ना हो, तो ऐसा पक्का और ऐसा मैं सोच रहा था कैसे बना देंगे इतना बड़ा, परंतु बनता चला गया, बनता चला गया, अब वो पूर्णता की ओर है और थोड़ा सा उसका शेप बाकी है, ऐसे अमृत कलश का उसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया है, अमृत कलश, तीर्थराज प्रयाग के कुंभ 2019 का अमृत कलश, शायद पूरे मेले में इतना बड़ा कहीं दिखलाई दे रहा हो, वो यहाँ दिखलाई दे रहा है, लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये रथ, जगन्नाथ जी भगवान का रथ, कलश का रथ, हनुमान जी राम जी का रथ, और ये गेट, ये भव्य पंडाल, इधर जिधर देखता हूँ उधर ऐसी भगवान की अलौकिक छटा, हमने भी नहीं सोचा था इतना अच्छा शिविर बनेगा, तो बनाते चले गए, बनता चला गया, बस हम सोच रहे थे बन रहा है कुछ, पर हमें नहीं पता था कुछ नहीं, ये बहुत कुछ बन रहा है, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, और ये आप सब लोगों के लिए बना है। अब मेरा एक सबसे कहना है कि जब सत्संग का समय हुआ करे तो सब लोगों को प्रातःकाल की बेला में गंगा जी का स्नान करो, और गंगा और यमुना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आप लोग यहाँ आए हैं तो त्रिवेणी संगम बोलते हो आप, तो त्रिवेणी संगम कितनी नदियों से बनता है, 3, कौन कौन सी हैं, गंगा और, अच्छा अब गंगा जी तो इधर से आ रही है ऐसे, और यमुना जी उधर से आ रही है, सरस्वती कहीं दिखलाई देती है, नहीं नहीं दिखलाई देती, दिखलाई देगी, देखो मैं लोगों से कहता हूं गंगा और यमुना सवेरे स्नान करो, और सरस्वती में स्नान करना हो तो कथा के पंडालों में चले जाओ, सरस्वती बहती हुई दिखलाई देगी, मैं लोगों को दावा करता हूं सरस्वती का दर्शन कराऊंगा, और वाणी सरस्वती, वाणी जो की देवता कौन है, सरस्वती है,
यहां से जो ज्ञान गंगा वाणी प्रवाहित होगी वही सरस्वती में तुम्हारी डुबकी लगेगी। सुबह में गंगा यमुना में स्नान करो और जब तक शाम को भगवान की कथा और पंडालों में जाकर के कथा को नहीं सुनोगे तो तुम्हारे को सरस्वती का स्नान नहीं होगा। अगर पूर्ण त्रिवेणी स्नान करना हो तो सुबह गंगा यमुना में स्नान करके और फिर कथा पंडालों में जाकर के भगवान की कथा को सुनना, तो रोज त्रिवेणी का स्नान तभी मिलेगा, वरना दो ही नदियों के स्नान का फल मिलेगा, समझ लो। तो फिर त्रिवेणी कहां ना है आप? त्रिवेणी का अगर स्नान करना हो पूर्ण स्नान प्रतिदिन करो, तो इसलिए कथा में समय से आया करो। प्रातःकाल भी हमारे अशोक पारिख, कहां है पारिख है ना, अशोक जी पारिख बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सुंदर कथा कुंभ में वो भी पहली बार कथा कर रहे हैं। इतने वो तो कह रहे थे महाराज जितना बड़ा मंच है उतने बड़े तो हमारे पंडाल लगते हैं, उतने में हम कथा करते हैं, परंतु पहली बार कुंभ के इतिहास में जितने बड़ा मंच है और उससे तो 10 गुना बड़ा पंडाल है। तो हमने कहा ये भविष्य में तुमको अब ऐसा ही मिलेगा, और ये गंगा यमुना सरस्वती का आशीर्वाद, वो बालक भी अच्छा विद्वान है, गोविंद देव जी महाराज के यहाँ से पठित है और अच्छा। तो हम तो चाहते हैं कि ये बड़े बड़े जो ये अच्छे अच्छे बच्चे जवान बालक आगे बढ़े, उसी में ये हमारे जनार्दन जी भी आते हैं युवा पीढ़ी में, तो हम तो अब अधेड़ उम्र की ओर जा रहे हैं कि नहीं, तो अब ये आगे आगे नौजवानों को ही कमान संभालनी है और जो है ये लोग आगे बढ़ें, हमारी ऐसी कामना रहती है। हम चाहते हैं हमारे पास कोई आवे तो वो आगे बढ़ना चाहिए, मैं उसकी प्रमोशन चाहता हूँ। मैंने जीवन में मेरे साथ लगने वालों की डिमोशन कभी नहीं चाहता, हमेशा हमारा ये भाव रहा हमारे साथ जो आए उसका प्रमोशन, उसकी तरक्की होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, और यही भाव होना चाहिए। तो इसलिए सब भाव से संत महात्मा मेरे साथ जुड़े रहते हैं। स्वामी शंकरानंद जी आए, हमको आना है, मैंने कहा आइए दलबल के साथ, इनकी कीर्तन मंडली वाले बैठे हुए हैं ना, हाँ बैठे हुए हैं, रोज बैठा करो, हाँ बहुत अच्छा है। और कल जनार्दन जी महाराज कथा, कल सुबह कथा नहीं होगी, कल शाम को कथा होगी, और शाम की कथा अशोक जी पारिख के द्वारा होगी, क्योंकि कल हमारे जनार्दन जी महाराज को महामंडलेश्वर जी को प्रवेश शाही में जाना है, प्रवेश शाही में, और वो भव्य जुलूस पूरे नगर में निकलता है, तो इसलिए कल सायंकाल को कथा का सीधा प्रसारण तो रहेगा, और वो अशोक जी पारिख जो हमारे अच्छे वक्ता हैं वो कल सायंकाल को कथा करेंगे। जिन लोगों को शोभा यात्रा में जाना होगा वो 7:30 बजे तैयार हो जावे, आप भी अपने सारे रथ और कीर्तन मंडली, और आपको भी जाना है, रेडी रहिएगा जनार्दन महाराज के साथ में, जयराम महाराज को भी ले जाना, हाँ सब लोग शोभा यात्रा में जाओ। कितने बजे तैयार हो जाओगे? मंडली के महात्मा भी, कीर्तन वाले भी, स्वामी जी भी, फिर वहां से सीधा यहीं आना, मैं यहीं मिलूंगा आपको, यहीं मिलेंगे आप कल, कल कल शाम को, वो कल सुबह करनी है कथा है, अच्छा वाह अच्छी बात है। चलिए कल सुबह भी रहेगी 9 से 12 और कल शाम को भी रहेगी 3 बजे से 7 बजे तक। जो कथा में लाभ लेना चाहें वो कथा का लाभ अवश्य लें, जो प्रवेश साई में जाना चाहेंगे प्रवेश साई में जाएंगे, परंतु अच्छा है अधिक से अधिकम फलम, शास्त्र कहता है अधिक से अधिक फल मिलना चाहिए। कथा जितनी ज़्यादा सुनी जाए उतनी जीवन की व्यथा समाप्त होगी, कथा व्यथा समाप्त करने का काम करती है, कथा क्या करती है? व्यथा समाप्त करती है। इसलिए व्यथा को समाप्त करना हो तो भगवान की कथा में अवश्य जाना चाहिए। आए भाव के साथ शब्दों को विराम देता हूँ, फिर मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। अब तो 19 फरवरी तक इस पंडाल में सरस्वती प्रवाहित होती रहेगी प्रतिदिन, इसमें हम स्नान करते रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्यों धीरे क्यों बोल रहे हो?
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय सियाराम, जय सियाराम। चले जाकी वाले कहां गए? बैठे रहिए, शांति से बैठिए थोड़ी देर। घमर घमर मारो वल्लो नु गाजे, शाम आवीने मारी मटुकी घोड़े, शाम आवीने मारी मटुकी घोड़े, अरे रे शाम आवीने मारी मटुकी घोड़े, शाम आवीने मारी मटुकी घोड़े, मटुकी घोड़े ने मारा महिरा ढोले, मटुकी घोड़े ने मारा महिरा ढोले, शाम आवीने मारी यशोदा और माँ रोहिणी जब ये मक्खन निकालती थी, जब ये लीला होती थी, तो तब भगवान कृष्ण कैसे नटखट थे और कैसे अपने माँ से वो प्रेम करते थे, और माँ यशोदा कैसे डांटती थी, दोरी लेकर बांधने की कोशिश करती थी, आंख बड़ी बड़ी करके गुस्सा करती थी। और ये दुनिया को नचाने वाले, ये दुनिया के मालिक, यह माँ के साथ खेल रहे हैं और माँ उनके कान पकड़ रही है, जो दुनिया के मालिक है। ये गोकुल की जो माँ यशोदा है, उसे इतना बड़ा अधिकार दुनिया के मालिक ने दिया, इसलिए गोकुल की महिमा है, वृंदावन की अपने आप में एक विशेष महिमा है कि हाँ इतना बड़ा अधिकार भगवान देते हैं। तो आइए इस लीला का हम आनंद ले, दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। जब दोनों माएं ये कार्य करती थी, तब उनके साड़ी खींचने का काम, जो मटका फोड़ने का काम, वो जो मक्खन है वो नीचे गिरा देते थे और माँ फिर उन डांटती थी। भगवान आगे आगे भागते चले जाए और माँ उसे पकड़ने उसके पीछे पीछे भागे, बहुत ही बड़ी आनंद, हृदय को आनंद देने वाली भगवान की लीला। ताली बजेगी ना तो ठंडी भी जाएगी। मधुरानी जल मा कानो जनमी, मधुरानी जल मा, वासुदेव टोपली मा मेली निहाया, वासुदेव टोपली मा मेली निहाया,
इसे मैं बांध दूं। तो डोरी ले आती थी, सोचती थी कि इसमें बंध जाएंगे, बहुत डोरी बदल दी, लेकिन भगवान बंध ही नहीं रहे थे। भगवान कहते हैं मुझे बांधने की तो बहुत कोशिश दुनिया वालों ने की, लेकिन आज तक मैं बंधा नहीं। मां कोशिश करती थी इसे डोरी से बांध दो, ये शांत हो जाए। नहीं सुनने पर मां यशोदा एक लकड़ी लेकर डांटती थी,